आम आदमी तो कह रही है कि लोकल इश्यूज पर उन्होंने चुनाव लड़े थे पूरे के पूरे, और बीजेपी ने नेशनल लेवल पर चुनाव लड़े थे। जिसके पास नेशनल लीडर और नेशनल के बिहाफ पर काम करेगा, अच्छा। जिसके पास मुद्दा ही लोकल है, केवल झूठ का मुद्दा है, वो किस बिहाफ पर चुनाव लड़ेगा? हम नेशनल के नेशनल बिहाफ पर ही चुनाव लड़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ भगवान राम का नाम इस्तेमाल पूरे हिंदुस्तान का पूरे दुनिया में होता है, ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान में मोदी का नाम चल रहा है, चलेगा, काम करते हैं, करेंगे। करदमपुरी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मुकेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए, क्या लग रहा है अब आपको, ट्रेंड जो है आम आदमी पार्टी की तरफ ही रुक कर रहे हैं? आम आदमी कौन कह रहा है, आम आदमी की तरफ है अभी, देखना धीरे धीरे खुलेंगे। भाजपा ही जीतेगी, भाजपा के मेयर बनेगा, भाजपा की दिल्ली में सरकार एमसीडी की होगी। अब भी आपको ऐसा लग रहा है? अभी क्या हो गया, अभी तो शुरुआत भी हुई है मैडम, अभी तो आएगा कमल खिलेगा। खिलेगा, आप तो करदमपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर आपको क्या लग रहा है? हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। और आपने भी देखा होगा पिछली बार भी आप मिले थे हमको, जो है बिल्कुल 100% कमल खिलेगा। जन जन की आवाज है, हर कार्यकर्ता की नहीं, पब्लिक की आवाज है कि मुकेश बंसल इस बार जीतेंगे। अच्छा, यहाँ पर मुकाबला जो था वो आम आदमी पार्टी के मुकेश और बीजेपी के मुकेश के बीच में था जी? बिल्कुल था और है भी, लेकिन मैं समझता हूँ 10 बजे तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, दूसरे राउंड में ही कमल खिलता हुआ नजर आएगा आपको। अब आम आदमी तो कह रही है कि लोकल इश्यूज पर उन्होंने चुनाव लड़े थे पूरे के पूरे, और बीजेपी ने नेशनल लेवल पर चुनाव लड़े थे। जिसके पास नेशनल लीडर और नेशनल के बिहाफ पर काम करेगा, अच्छा। जिसके पास मुद्दा ही लोकल है, केवल झूठ का मुद्दा है, वो किस बिहाफ पर चुनाव लड़ेगा? हम नेशनल के नेशनल बिहाफ पर ही चुनाव लड़ते हैं। मुकेश जी, प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा कितनी जगह इस्तेमाल किया जाएगा? जैसे हमारे यहाँ भगवान राम का नाम इस्तेमाल पूरे हिंदुस्तान का पूरे दुनिया में होता है, ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान में मोदी का नाम चल रहा है, चलेगा, काम करते हैं, करेंगे। तो इसी तरह से आप उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, जो हमारे पूर्व हमारे संस्कार एक मानव उनमें भरे भरे कूट कूट करके, तुम तो चाहते हैं उन्हीं के नाम से हम जीते और उन्हीं के कदमों पर, उन्हीं के चरणों के हिसाब से हम काम करें, उन्हीं की अपने आप प्रेरणा लेकर के काम करें।